से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। महामहिम हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन भी करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में राष्ट्रपति सबसे पहले रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और यहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा रामकथा पार्क में ही यात्री निवास पर अयोध्या की प्राचीनता धार्मिकता पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। दोपहर 2 से 3 बजे तक हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन के बाद वृक्षारोपण करेंगे। निर्माणाधीन मंदिर का जायजा भी लेंगे और दोपहर 3:40 पर अयोध्या रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से लखनऊ वापस लौटने के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी तरह राष्ट्रपति का 4 दिवसीय यूपी दौरा पूरा होगा। तो राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर परिसर तक जो पूरा इलाका है उसे अच्छी तरह से चमकाया गया है, दोबारा पेंट किया गया है, साफ सफाई की व्यवस्था, ट्रैफिक, सड़क सुरक्षा सब कुछ चाक चौबंद है। तो चलिए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ एयरपोर्ट की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर, अब राष्ट्रपति लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और दूसरी तस्वीर प्रेसिडेंशियल ट्रेन में किस तरह सवार हुए, जब प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना हुए राष्ट्रपति। तो लखनऊ से निकल चुके हैं प्रेसिडेंशियल ट्रेन के माध्यम से और दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं महामहिम और तकरीबन 11:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे। अनुभव शुक्ला जो कि अयोध्या में ही मौजूद है हमारे संवाददाता, उनसे अपडेट लेते हैं। अनुभव, प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना हो गए हैं राष्ट्रपति, कब तक आगमन होगा और उसके बाद आगे रूट किस तरह रहेगा? देखिए लगभग 11:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति, कहा जा रहा है कि वो अयोध्या स्टेशन पर पहुंचेंगे। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो निकल चुके हैं लखनऊ से और यहाँ वो पहुंचेंगे। उसके बाद सीधा उनका जो काफिला है, जो उनकी फ्लीट है, वो पहुंचेगी रामकथा पार्क, जहाँ पर सबसे पहला कार्यक्रम है रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति। और ये कॉन्क्लेव जो है वो आज से शुरू होगा और 1 नवंबर तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में होगा। गोरखपुर में भी होगा, बिठूर में भी होगा, झांसी में भी होगा, वाराणसी में भी होगा, सभी जगहों पर ये रामायण कॉन्क्लेव होगा। और आज ही इसी कार्यक्रम में अयोध्या को सौगात भी देंगे राष्ट्रपति, 42 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। अयोध्या स्वरूप संस्थान जो है उसमें तुलसी भवन का आधुनिकीकरण किया जाना है, उसके लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में नया बस अड्डा बनाया गया है, 16 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया है। तो इनके लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। फिर ये कार्यक्रम तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक चलेगा और फिर 2 से 3 बजे का जो वक्त है राष्ट्रपति का, वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ रामकथा पार्क से सीधे नया घाट होते हुए राष्ट्रपति का जो काफिला है, जो कॉन्वॉय है, वो सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेगा। वहाँ उनके लिए विशेष आरती रखी गई है क्योंकि आजाद भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जानी जयसिंह भी अयोध्या आए थे राष्ट्रपति रहते हुए, लेकिन तब उन्होंने हनुमानगढ़ी पर ही दर्शन किया था। और आज जिस तरीके से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो है महामहिम वो जिस तरीके से दर्शन करेंगे, तो हनुमानगढ़ी में एक विशेष पूजा अर्चना रखी गई है जी। तो हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं वो विशेष, हम कहें तो प्रकांड आचार्य जो है वो विशेष आरती कराएंगे और वहाँ से सीधे वो रामलला के दर्शन के लिए चले जाएंगे, वहाँ पूजन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से सीधे अयोध्या स्टेशन पहुंचेंगे और वहीं से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वापस लखनऊ रवाना होंगे और फिर लखनऊ से दिल्ली चले जाएंगे। बिल्कुल, और इस तरीके से उनका ये जो दौरा है उसका अंतिम दिन भी पूरा होगा। पूरी तरह से राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए उनका आज का दिन रखा गया है। हनुमानगढ़ी में पूजा, रामलला के दर्शन, नए मंदिर जो बन रहा है उसका निरीक्षण, कुल मिला के सभी प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। आप उन पर नजर बनाए रखिए अनुभव, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रामनगरी में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अयोध्या को न सिर्फ सजाया गया है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी राष्ट्रपति के अयोध्या पहुंचने में कुछ घंटे का वक्त है, लेकिन उनको लेकर अयोध्या में कैसी हलचल है आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि सजकर तैयार है, शहर को सजाया संवारा गया है, साफ सफाई से लेके रंगारोगन, फूलों की सजावट, रंगोली, सड़क के दोनों तरफ पूरा काम जो है वो कर लिया गया है। रामायण कॉन्क्लेव की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं, जिसका आज शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं अयोध्या में। वहीं अयोध्या में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या को पूरी तरह से किले में बदल दिया गया है। अयोध्या के अंदर आने वाले जितने भी रास्ते हैं सभी पर सुरक्षा सख्त है और किसी भी अपरिचित व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। आपको बुखार या तुरंत सहायता प्रदान की जा सके, आइए मिलकर महामहिम राष्ट्रपति 11:30 बजे आज अयोध्या आ रहे हैं। आज उनका अयोध्या दौरा है। सबसे पहले वह रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वह जाएंगे रामकथा पार्क। रामकथा पार्क में जो है रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और रामकथा पार्क में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, उसमें भाग लेंगे और उसके बाद यात्री निवास जाएंगे जहाँ पर कुछ सांस्कृतिक किताबें हैं उनका अवलोकन करेंगे। उसके बाद वह जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे और जन्मभूमि के साथ साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा किस तरह से की गई है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं। अयोध्या में जितने भी प्रवेश द्वार हैं पूरी तरह से उनको बंद कर दिया गया है। आगमन के 12 घंटे पहले से अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जितने भी प्रवेश मार्ग वहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है। साथ ही साथ जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अंदर एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। जो यहाँ के निवासी हैं उनके आधार कार्ड चेक करने के बाद ही उनको वहाँ पर प्रवेश करने दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उनके आगमन की, जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो पूरी अयोध्या जो है सुरक्षा के घेरों में जकड़ ली जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अयोध्या से बीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। अयोध्या को एक बार फिर सुरक्षा के घेरों में जकड़ लिया गया है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के जितने भी बैरियर पॉइंट है वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी चूक ना होने पाए जिससे अयोध्या को पूरी तरह सुरक्षा के घेरों में जकड़ लिया गया। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या के प्रवेश मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिनके पास पास उपलब्ध है उन्हीं को ही अयोध्या में प्रवेश करने दिया जा रहा है। 11:30 बजे रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुँचेंगे और सबसे पहले वह रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे रामकथा पार्क में। साथ ही साथ रामकथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया हुआ, उसमें भी भाग लेंगे और उसके बाद 2 बजे जो है वो राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही साथ जो मंदिर का निर्माण कार्य है उसका भी जायजा लेंगे और उसके बाद जो है वहाँ से निकल करके हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी के दरबार में हनुमान जी के सामने माथा टेकेंगे और वहाँ पर फिर उसके बाद 3:40 पर अयोध्या से वह रवाना हो जाएंगे।